इधर महाराजगंज में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर अवैध वेंडर्स ने नाबालिग को पिला दिया और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। गैंगरेप के बाद युवती को आरोपियों ने झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब पीड़ित के पिता को ये सारी बात पता चली तो उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। कोठीभार थाना इलाके के सिसवा रेलवे स्टेशन की ये सारी घटना। इसमें ये जानकारी हुई है कि कोठीभार थाना क्षेत्र में एक लड़की को उसके जान पहचान वाले एक लड़के ने, जो रेलवे सिसवा पर वेंडर है, उसने बुलाया था। इस पर लड़की वहाँ पर गई तो लड़की के साथ में वो वेंडर और उसके दो अन्य साथियों ने बलात्कार किया है, जैसा कि तहरीर में लड़की के पिता ने लिख करके दिया है। इस संबंध में थाना कोठीभार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और दो व्यक्तियों को, जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।